सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देख कर लिए सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर भी जरूर दबा दो, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। वीडियो को लाइक कर दो, खाने खाने नहीं भूलती ना, तो ये भी मत भूलना। सो गाइज यार, अगर आपको वीसी टाइप का वीडियो एडिटिंग करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और इस वीडियो में गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में पासवर्ड लगा होगा, तो पासवर्ड आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। बस वीडियो को आप इंजॉय करोगे ना, तो आपका पासवर्ड जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको पासवर्ड ऑटोमेटिकली ढूंढने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके आंखों के सामने हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मतलब मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम आपका नहीं स्पेंड करूँगा, जितना इंपॉर्टेंट होगा वही टाइम आपका मैं स्पेंड करूँगा, ठीक है। सो गाइज यार, मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, और आगे बढ़ाने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, अगर पहली बार आए हैं, तो गाइज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली का कंटेंट लाता हूँ और आपको होप मज़ा आता होगा कंटेंट वगैरह देखने में, एंड देन क्रिएट भी कर लेते होगे, ठीक है गाइज। और वीडियो पसंद आए तो फ्री वाला तो वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो। सो आपके यहाँ तो मैं जो मर्जी करके जाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो गाइज यार, अब बात कर लेते हैं एडिट कैसे करना। तो ये जो एडिटिंग है लाइट मोशन से करेंगे, और हाँ प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट वगैरह मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके जैसे डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी आपको फोटोज, अगर इसी फोटो में बनाना, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे मैं सारे दे देता हूँ। देन गाइज आपको क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे आपको लाइट मोशन को ओपन करना। तो यहाँ से मैं अपने लाइट मोशन को ओपन किया, और फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। देन आपको अगर प्लस के राइट से मैं प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइज, तो आपने सिंपल से प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाना है। देन गाइज यहाँ पे आपको एक साइज में आपको फोटो को जो क्रॉप करना है, ठीक है। तो वो साइज कैसे पता लगेगा आपको, तो आपको क्या करना है गाइज, सबसे पहले प्लस के ऑप्शन पर टैप करना और 9:16 वाला रेशियो लेना। देन क्रिएट प्रोजेक्ट पर जैसे ही टैप करोगे, तो ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देन गाइज आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर टैप करेंगे, और देन यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देन मीडिया के ऑप्शन पर टैप करेंगे, और यहाँ पर ऑल दिख रहा है गाइज, ऑल पे आपने टैप करके यहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्डर मिल जाएंगे। तो जो भी फोल्डर में आपने फोटो सब डाउनलोड करके रखा हो, उस वाले फोल्डर को सिंपल से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह से फोल्डर सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मेरे को बहुत सारे फोटोज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गाइज इनको क्रॉप करना है। सो क्रॉप कैसे करना, आपने सिंपल से कोई भी फोटो को सिलेक्ट करना, देन थिएटर पर टैप करना, और फील कॉम्पोजिशन एरिया पर टैप करना, और ये जो हो जाएगा। देन गाइज आपको थोड़ा सा आगे चले जाना एक दो सेकंड, देन सेटिंग के राइट साइड में आइकन में गाइज, उस पर टैप करेंगे, और यहाँ पे आपको देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपल से लास्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना, करंट फ्रेम एज पीएनजी वाले ऑप्शन पे। देन आप जैसे एक्सपोर्टर टैप करोगे गाइस, तो ये जो एक्सपोर्ट हो जाएगा, और एक्सपोर्ट ये होगा मतलब कि इमेज में क्रॉप होकर एक्सपोर्ट होगा, इमेज ही होगा, वीडियो नहीं होगा, बिल्कुल ना डरे, ठीक है। देन सेव पे टैप करना और क्लोज कर देना। देन फिर इस वाले इमेज को डिलीट कर देना, और देन आपको फिर से प्लस के ऑप्शन पर टैप करना, मीडिया ऑप्शन में जाना, और यहाँ से अगले इमेज को आपको सिंपल से सिलेक्ट करना। देन थिएटर पर टैप करना, और फील कॉम्पोजिशन एरिया पर टैप करना, और मूवमेंट डाउन में जाके गाइस इस टाइप से इमेज वगैरह को सेट भी कर सकते हो। देन सेटिंग के राइट साइड में आइकन, उस पर टैप करेंगे, करंट फ्रेम एज पीएनजी पे टैप करेंगे, और एक्सपोर्ट पे जैसे टैप करेंगे तो ये भी क्रॉप हो जाएगा। देन गाइस इसका क्रॉप हो जाने के बाद सिंपल से सेव के ऊपर टैप करना, इस वाले प्रोजेक्ट से क्लोज करके बैक आ जाना, और देन आप बिटमार्क को इंपोर्ट करना। मैंने दो ही इमेज को क्रॉप किया गाइस, आपको जितने नीड है उतने कर सकते हो, ठीक है। तो होप आप कर लोगे। देन गाइस आपको क्या करना, सिंपल से स्टेप्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ग्रुप वन दिख रहा है गाइस, तो आपने सिंपल से ग्रुप वन पे टैप करना है। देन आपको क्या करना गाइस, एडिट ग्रुप में जाना, और एडिट ग्रुप में जैसे जाओगे तो इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना, इस पर टैप करना, और यहाँ पे कलर एंड फिल के ऑप्शन पे जाना, और यहाँ पे सिलेक्ट मीडिया लिखा हुआ होगा गाइज, तो यहाँ पे इस पर टैप करिए, वरना ये स्टार वाला आइकन दिख रहा है गाइज, स्टार वाला आइकन पे जैसे टैप करोगे तो यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा। तो आपको क्या करना गाइज, सबसे पहले आपने जो इमेज क्रॉप करके रखा हुआ है उस वाले फोल्डर को ढूंढना है। तो यहाँ पे मेरा लाइट मोशन, तो लाइट मोशन वाले फोल्डर को सिलेक्ट किया,
देन गाइज यहाँ पे बहुत सारे फोटोज मैंने पहले से क्रॉप करके रखा है, तो सिंपल से मैं कोई से भी फोटो को यहाँ पे ले सकता हूँ। तो मैंने फाइनली ये वाले फोटो को ले लिया। देन आपको प्लस के ऑप्शन पे टैप करना, और जैसे प्लस के ऑप्शन पे टैप करोगे तो कुछ इस टाइप से ये हो जाएगा। देन गाइज आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, सॉरी ग्रुप से बैक आना, और जैसे ग्रुप से बैक आओगे तो यहाँ पे ये जो एक ग्रुप आपका सेट हो जाएगा। देन गाइज आगे इस टाइप से रेक्टेंगल्स देखने को मिलेंगे, तो ये किस लिए वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इमेज वगैरह को इंपोर्ट करना। सो इंपोर्ट कैसे करना गाइज, आपने सिंपल से रेक्टेंगल पे टैप करना, और देन गाइज आपको कलर एंड फील के ऑप्शन में जाना, और यहाँ पे सेलेक्ट मीडिया पे टैप करना या फिर स्टार वाला आइकन, देन इमेज को सिलेक्ट करना, और देन फिर से गाइज आपको नीचे वाले पे सिलेक्ट करना और वही सेम इमेज को ही सिलेक्ट करना गाइज, ठीक है। और देन यहाँ पे ये सेम इमेज, एंड देन गाइज इन दोनों पे आपने सेम इमेज सिलेक्ट किया, और उसके आगे वाले पे भी सेम इमेज सिलेक्ट करना, दोनों रेक्टेंगल पे ऊपर वाले में और नीचे वाले में भी, और उसके आगे भी एक रेक्टेंगल है गाइज उस पर भी आपने सेम इमेज सिलेक्ट करना। एक इमेज को आपको जो भी इमेज इंपोर्ट करे उसको 5 बार आपने इंपोर्ट कर लेना, फर्स्ट वाले जब इंपोर्ट करोगे ना यहाँ पे, ठीक है। देन गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से, तो एक इमेज को आपने 3 बार अपलोड करना। तो यहाँ पे आप सिंपल से रेक्टेंगल पे टैप करते कलर एंड फील के ऑप्शन में सिलेक्ट मीडिया पे टैप करेंगे, और यहाँ पे कोई सा भी इमेज को सिलेक्ट करेंगे, प्लस के ऑप्शन पे टैप करेंगे, उसके नीचे वाले पे जाएंगे, देन फिर से कलर एंड फील के ऑप्शन में सिलेक्ट मीडिया पे टैप करेंगे, और यहाँ पे पहले वाले इमेज को सिलेक्ट करेंगे, और देन जो इमेज यहाँ पे वो यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे फाइनली देख सकते हो गाइज मैंने इंपोर्ट कर लिया, और देन सेम प्रोसेस है, यहाँ पे फिर से आना और यहाँ पे फिर से आपको इस पर टैप करना, कलर एंड फील के ऑप्शन में जाना, सिलेक्ट मीडिया पे टैप करना, और जैसे टैप करोगे तो यहाँ पे इस टाइप से इंटरफेस आएगा। देन इमेज को सिलेक्ट करना, उसके नीचे वाले इमेज को भी सेम सिलेक्ट करना, और उसके जो आगे एक बिटमार्क है उस पर भी सेम सिलेक्ट करना। सो होप आप समझ गए होगे, एक ही इमेज को आपको गाइस 3 बार इंपोर्ट करना है। सो आप सिंपल से 3 बार इंपोर्ट कर लोगे ना, तो आपका जो वीडियो एकदम परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 है, और देन गाइस यहाँ पे ये एक, मतलब कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये दोनों, देन यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पे, और ये दोनों दिख रहे गाइस उसके आगे एक है, फिर ये दोनों दिख रहे गाइस उसके आगे एक है। सो होप आप गाइस यार समझ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो आपको सिंपल से क्या करना गाइस, यहाँ पे आ जाना है स्टार्टिंग में, देन प्लस के ऑप्शन पे टैप करना, और मीडिया के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से टेलीग्राम का फोल्डर सेलेक्ट करना है। और सबसे पहले टेलीग्राम फोल्डर, ये सब करने से पहले आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, और वहाँ से जो प्रीव्यू वीडियो मैंने दिया होगा उसको डाउनलोड करना, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करके ना, जैसे मान लो मैंने ये वीडियो इंपोर्ट किया, वीडियो नहीं आप में फोटो है, पर आप वीडियो इंपोर्ट करना, और स्टेप से इसको छोटा कर लेना गाइस, और छोटा करने के बाद यहाँ पे राइट साइड को सेट कर लेना, या फिर इससे और भी छोटा कर सकते हो। देन गाइस आपको ये जो पूरा हो जाएगा, और देन गाइस आपको क्या करना, यहाँ पे मैं वीडियो लेके ही बता देता ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैंने पहले से भी एक एक्सपोर्ट करके रखा हुआ, तो यहाँ पे ये लाइट मोशन और ये रहा हमारा वीडियो। तो देन गाइज आपको देख सकते हो यहाँ पे जो इंपोर्ट है ना, इसमें मैंने पहले से बना के रखा, तो यहाँ से मैंने सिंपल से इसको क्या किया, थोड़ा सा छोटा किया और यहाँ पे साइड कर लिया, साइड में रख लिया। देन गाइज यहाँ पे आपको कहना, जैसे जैसे यहाँ पे इमेज वगैरह चेंज होगा तो आपको पता लग जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कुछ इस वाले डिशन पे आ गया, तो यहाँ पे देख सकते गाइज यहाँ पे जब थोड़ा सा ये देख सकते हो, यहाँ पे 2 इमेज है, तो यहाँ पे देख सकते हो जहाँ जहाँ इमेज चेंज हो रहा है जैसे जैसे, तो होप आपको समझ आ जाएगा इसे। देन आपको इस वाले वीडियो को डिलीट करके एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट कैसे करना, सेटिंग पे टैप करना, और यहाँ पे आपको FPS मिल रहा है 60 कर लें, और यहाँ पे रेजोल्यूशन भी मिल रहा है, इसको हाई लो कर सकते हो। देन सेटिंग राइट साइड में आइकन मिल गया, उस पर टैप करना, वीडियो पे टैप करना, एक्सपोर्ट पे जैसे टैप करोगे तो ये एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा। सो गाइस कुछ इस तरह से वीडियो को बना ले, एक्सपोर्ट कर ले, कैसे ले गया इसकी वीडियो गाइस यार नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक भी कर सकते हो। सो लाइक और डिसलाइक का बटन गाइस आपके आंखों के सामने, जो मर्जी करके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और होप आपको पासवर्ड भी मिल गया होगा। सो मैं मिलता हूं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अब तक।